हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इन जनरल बच्चे क्या होते हैं, मिसलीड होते हैं। थंबनेल आपने देखा होगा, क्या स्टूडेंट लाखों रुपया पर मंथ कमा सकते हैं? ऐसा वीडियोस यूट्यूब पर थाउजेंड्स, टेन थाउजेंड्स, वन लाख वीडियो ऐसे होंगे, लाखों वीडियोज़ होंगे यूट्यूब पर कि वो बता रहे हैं ये स्किल सीख लो एक लाख पर मंथ है, ये स्किल सीख लो एक लाख पर मंथ है। कोई बोलता है डिजिटल मार्केटिंग सीख लो एक लाख पर मंथ है। सच्चाई क्या है इसका? That I will share with you। अगर या हाँ या ना में आंसर में जाओगे, क्या स्टूडेंट एक लाख पर मंथ कमा सकता है while studying in college और school? Yes और no में आंसर अगर चाहते हो, हाँ कमा सकता है। But सारा जड़ यहीं पर है, हाँ में ही है। हाँ सबके लिए नहीं है, मतलब सारे नहीं कमा पा रहे हैं फिलहाल। कमा सकते हैं सारे, मैं उस पर बात नहीं कर सकता, बट फिलहाल जो सिनेरियो है सारे नहीं कमा रहे। और इसी का चर्चा का बीच इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। मैं चर्चा करना चाहता था कि आप मिसलीड ना हो, राइट? बिकॉज इजीली हम क्या होते हैं, इस तरह का वीडियोस देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, सोचते हैं हम चले जाएंगे इस फील्ड में। और इस वीडियो का बनाने का मकसद वही है। मेरे एक पर्सनल कंसल्टेशन ले रही थी एक लड़की थी, उनका एज था 26-27 ईयर्स ओल्ड, और वो मेरे को बोल रही थी सर मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहती हूँ बिकॉज मैंने देखा लाखों रुपया लोग पर मंथ कमा रहे हैं और मैं भी कमाना चाहता हूँ। तो वो पूछ रही थी मेरे से क्या सच है लाखों रुपया पर मंथ कमा सकते हैं? हाँ 10 लाख भी पर मंथ कमा सकते हो, एक लाख क्या? फिर बोली मैं तो करना है, फिर मैं तो करूँगी। फिर जब मैंने उनको पूरा सच्चाई बताया तो बोली कि नहीं सर दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो वैसे ही मैं आज आपको सच्चाई बताऊँगा। ये जो देखते हैं यूट्यूब पर वीडियोज़ कि लाखों रुपया पर मंथ स्टूडेंट कैसे कमाए, मैं आपको सच बताऊंगा पूरा, इसका पूरा सच्चाई। तो पहले समझते हैं लाखों रुपये का, एक लाख रुपये का वैल्यू क्या है। इंडिया में ओनली फ्यू जॉब्स हैं, वो भी इक्का दुक्का जॉब है, जहां पर स्टार्टिंग सैलरी मोर देन 1 लाख होता है। एज पर माई नॉलेज क्या होता है आपका, आप अगर बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए तो आपका 1 लाख पर मंथ हो सकता है, उससे ज़्यादा हुआ। अगर आप प्रेसिडेंट हैं, MP हैं, MLA हैं तो 1 लाख पर मंथ आपका जॉब, मतलब आपको सैलरी मिलेगा। अगर आप IAS, IPS, IAS, IPS, IES हैं, राइट, या IFS हैं, इंडिया जॉब कर रहे हैं तो आपके स्टार्टिंग सैलरी 70-80 हज़ार होता है। प्रोफेसर हैं तो 90 हज़ार होता है। PSC में जॉब कर रहे हैं तो मैक्सिमम सैलरी आपका जो CTC होता है लगभग आपका 1,70,000 होता है पर मंथ। OB कितने बच्चों को जॉब लगता है पूरे इंडिया में? मुश्किल से इस कैटेगरी में मुश्किल से 1,000, तो उसको लेके मैं चल नहीं सकता, राइट? और उस पोजीशन में जाने के लिए कितने साल मेहनत करना पड़ता है, दैट यू नो वेरी वेल, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। अब अक्सर नेट पर जो आप देखते हो, यूट्यूब पर आप देखते हैं कि ये स्किल सीख लिए लाखों रुपया पर मंथ कमाइए, जैसे वीडियो एडिटिंग स्किल, ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल, डिजिटल मार्केटिंग स्किल, राइट? सच्चाई क्या है, इन स्किल से लाखों रुपया पर मंथ लोग कमा रहे हैं, बट ओनली फ्यू परसेंटेज, मतलब जिनके पास 10-8 साल एक्सपीरियंस है वही कमा रहे हैं। कोई आज सीख के कल 1 लाख पर मंथ नहीं कमाएगा, ये सच है दोस्त, राइट? ये सच है। जिनके पास इन डेप्थ नॉलेज है वो कितने भी रुपए कमा रहे हैं। आई नो पीपल दोज आर मेकिंग फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग एटलीस्ट 5 लाख पर मंथ। आई नो पीपल जो मेकिंग 10 लाख पर मंथ, अपना बिजनेस सेटअप कर चुके हैं। उनसे मैं पर्सनली मिला हूँ कॉन्फ्रेंसेस में जाके 2 ईयर्स बैक, अभी नहीं, अब तो पता नहीं कुछ और ही कर रहे, मतलब ज़्यादा उनका ग्रोथ हो गया होगा बिकॉज ऑफ कोविड, राइट? कोरोना वजह से सब कुछ शटडाउन है, कमा रहे हैं लोग, बट उसके लिए उनके पास क्या है, टीम है, प्रॉपर नॉलेज है, काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, तभी है। तो एज ए स्टूडेंट स्टार्टिंग में 1 लाख पर मंथ कमाना मुश्किल बात है। हाँ आप ज़्यादा कमा सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, आपको अपना एक्सपर्टीज को, जो आपके पास एक्सपर्टीज है वो दूसरों के साथ शेयर करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत कुछ बच्चे करते हैं, मतलब बोल सकते हो 0.1%, मतलब 1,000 में एक बच्चे करते हैं। वो क्या करते हैं, मान लो IIT में एडमिशन हो गया उनका, वो YouTube चैनल बनाते हैं और जो उनके जूनियर्स हैं उनको क्या करते हैं, सलाह देते हैं, कुछ पढ़ाते भी हैं। तो सलाह दोगे, पढ़ाओगे तो पैसे इनकम आएगा ना, YouTube से आएगा, स्पॉन्सर से आएगा, कोर्स सेल कर रहे हो उससे आएगा, तो उससे आप लाखों नहीं करोड़ों भी कमा सकते हो, बट ऐसे परसेंटेज बहुत कम है, वेरी 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 लेस, मतलब 1,000 में एक शायद ज़्यादा बोल दिया आपको। तो आपको आइडिया दे दिया मैंने, अगर आप एक्सपर्टीज जो आपका जिस फील्ड में है अगर वो चीज़ आप दूसरे शेयर करते हैं तो आपका काम बन सकता है।
अदरवाइज आई नॉट रिकमेंड यू फॉर दैट कि आप ऐसा करें। अगर आप करेंगे तो आप ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग करना पड़ेगा जीरो से, फिर स्लोली स्लोली क्या करना पड़ेगा, आपका ग्रोथ होगा। तो प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट का, स्टार्टिंग करते हैं, एक दो महीना एफर्ट डाला, फिर भाग जाते हैं छोड़ के, बिकॉज उनको पूरा सच्चाई पता नहीं होता है। तो अगर आपको किसी फील्ड में एक्सपर्टीज गेन करना है तभी आपको क्या आएगा, पैसा आएगा। मतलब पहले एक्सपर्टीज गेन करिए फिर पैसा आएगा। अगर एक्सपर्टीज नहीं है तो पैसा, अच्छा पैसा नहीं आएगा। चाहे आप जॉब करो, चाहे आप स्टूडेंट टाइम में कुछ काम करो, तभी पैसा आपके पास आता है जब एक्सपर्टीज आता है। और एक्सपर्टीज कैसे आता है, टाइम के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है, राइट। तो यहाँ पर कुछ आपको टिप्स बता देता हूँ जो आप कर सकते हैं एज ए स्टूडेंट टू अर्न मनी। अगर एज ए स्टूडेंट अगर आप पैसे कमाना चाहते हो तो क्या करते हो आप, एक सिंपलेस्ट तरीका है, विदाउट इन्वेस्टमेंट है, मोबाइल से हो जाएगा वो, क्या अपना यूट्यूब चैनल बना लो और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू कर दो। जहाँ पर भी हो, किसी भी कॉलेज में हो, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर करो। धीरे धीरे देखना आपका विजिबिलिटी बढ़ेगा, जो आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ शेयर करिए। स्लोली 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 आपका ब्रांड वैल्यू बनेगा, लोग आपको जानेंगे। ऑनेस्ट रहिए, कभी फालतू बकवास बात मत करो, अपने स्टिक टू योर पार्ट, जिस चीज़ के बारे में आप बात करते हैं। तो क्या होगा, स्लोली स्लोली आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा, और ब्रांड वैल्यू से ही क्या होता है, आपके पास पैसा आता है, राइट। ये सब कुछ क्या है, ब्रांड का खेल है। अगर आप अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हो स्लोली स्लोली स्लोली, तब पैसे ज़्यादा कमाओगे। मेहनत से पैसे आते हैं मुझे पता है, बट ब्रांड वैल्यू, जो पर्सनल ब्रांडिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ट्राई टू बिल्ड योर ब्रांड, पर्सनल ब्रांड, और उसको बिल्ड करने का फिलहाल जो पूरे वर्ल्ड में सिंपलेस्ट तरीका क्या है, यूट्यूब। वीडियो कॉन्टेंट क्रिएट करिए और डालिए यूट्यूब पर, अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिए, स्लोली स्लोली आपका ब्रांड वैल्यू बनेगा। और जो बताते हैं कि पहले महीने 1 लाख पर मंथ आ जाएगा, तो ऐसा होता तो IIT का प्रिपरेशन कोई नहीं करता, राइट। ऐसा नहीं होता है, वो पहले महीने भी 1 लाख पर मंथ वही कमाता है जिसके पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है पहले से, फिर वो कमाता है। उसने क्या करा, उसने अपने एक्सपर्टीज पे काम नहीं करा, एक्सपर्टीज ऑलरेडी है उस टॉपिक पर, उसने क्या करा, अपने एक्सपर्टीज को दूसरी जगह पर दूसरे लोगों से शेयर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, उस प्लेटफॉर्म का उसने तरीके से यूज़ करना सीखा, दैट्स इट। तो अगर आप पैसे अच्छे चाहते हो, मैं आपको बताया, एक्सपर्टीज गेन करिए जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, और कोई गारंटी नहीं है जिस फील्ड में आप जा रहे हो, सोचते हो कि मेरा इंटरेस्ट इसी फील्ड में ही है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपको उसी फील्ड में इंटरेस्ट होगा। हो सकता है उससे ज़्यादा भी आपके पास किसी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। सो माई सजेशन टू यू एज ए स्टूडेंट, आप पैसे मत देखो। अब क्या देखो, आप एंजॉय करो अपने टाइम को बाय एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थिंग्स, ताकि अल्टीमेटली आपका बेस्ट जो पैशन आप फाइंड आउट कर पाओ। पैसा जितना चाहे कमा लोगे फिर आगे जाके, अगर आपने अपना सही पैशन फाइंड आउट कर लिया, और ये पैशन फाइंड आउट करना अपना पूरे वर्ल्ड का मेरे हिसाब से टफेस्ट जॉब है इस टाइम में। बिकॉज मैं लास्ट वीडियो में बताया था, 90% लोग फोर्सफुली काम कर रहे हैं, अपने पैशन के बदौलत काम नहीं कर रहे। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना चाहिए। अब गाइस बात करते हैं कि कौन कौन से स्किल आपको सीखना चाहिए, कोई भी हो आप। तो पहला तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लो आप। अब डिजिटल मार्केटिंग इतना छोटा नहीं है भाई, काफ़ी बड़ा है डिजिटल मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग इट्सेल्फ ह्यूज, हर कंपनी मार्केटिंग टीम होता है, काफ़ी बड़ा टीम होता है, बिकॉज मार्केटिंग से ही ब्रांड वैल्यू बनता है, जल्दी सेल्स आते हैं जिसके वजह से कंपनी चलती है। जिस कंपनी में सेल्स नहीं है वो कंपनी बंद हो जाएगी। सेल्स से क्या होता है, पैसा आता है, पैसे से ही लोग सैलरी देते हैं, कंपनी का ग्रोथ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी होती है। तो सब कुछ मार्केटिंग के ऊपर डिपेंड होता है, कोई भी कंपनी हो। सो आई वुड सजेस्ट यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। कहाँ सीखेंगे आप, पेड कोर्स ले सकते हो, फ्री कोर्स ले सकते हो, यूट्यूब पर देख सकते हो फ्री वीडियोज, तो आपकी मर्जी है, राइट। पहला, दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग जो फायदा हो, मतलब जो चीज़ें रिक्वायरमेंट होता है, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, एटलीस्ट फ्यू टूल्स का यूज़ करना सीख लो, लाइक फोटोशॉप सीख सकते हैं आप, कैनवा सीख सकते हो, कैनवा सबसे सिंपलेस्ट है, इजी है और कुछ हद तक फ्री भी है, उसको यूज़ कर सकते हैं आप, राइट। हाँ, ये कैनवा पर मुझे पैसा नहीं दिया, पहले बता रहा हूँ, अच्छा टूल है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए। और इसके बाद भी और भी टूल्स होते हैं कैनवा, जिनका भी यूज़ कर सकते हैं,
मैं कैनवा भी यूज़ करता हूँ और कुछ और सॉफ्टवेयर भी हम यूज़ कर सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो, ये काम आएगा आगे जाके, बिकॉज डिजिटल वर्ल्ड आगे जो होगा एक तरह का बोल सकते हो पूरा मार्केट को कैप्चर करने वाला है, राइट। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको जानना चाहिए और इस पर काम भी करना चाहिए, राइट। और एक दिन में नहीं सीख पाओगे दोस्त, आप डेली एक एक घंटा दो, पढ़ो पहले क्या चीज़ है, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या रीज़न है, सब चीज़ पता करो स्लोली स्लोली, राइट। इसके अलावा आपका एनिमेशन सीखना चाहो सीख सकते हो आप, और वही नए स्किल कोडिंग स्किल सीख रहे हो आप, डिज़ाइनिंग स्किल सीख रहे हो, जो मिलता सीखने को सीख लो, बिकॉज टाइम के साथ साथ क्या पता क्या चीज़ कब कहाँ काम आ जाए, तो इसलिए सीखना बंद मत करिए। और वही सलाह आपको फिर से बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है पैसे के पीछे फिलहाल मत भागो, जो लाखों रुपया पर मंथ हम कोई बताता है यूट्यूब पर कमा लोगे आप, उसमें कुछ ना कुछ कैच होता है, कुछ ना कुछ अंदर चीजें होता है जो अक्सर लोग बताते नहीं हैं, अगर वो बताएंगे तो वो ख़त्म कहानी, वो वीडियो चलेगा नहीं, इतना ही था, राइट। तो ये चीज़ें था जो आपको मुझे बताना था। तो एज ए स्टूडेंट आप पैसे तो कमा सकते हैं, लाखों रुपये भी कमा सकते हैं, बट कैसे कमाओगे कैसे नहीं कमाओगे मैं आपको बता दिया, क्या अंदर का चीज़ है मैं आपको केस स्टडी बताया। तो अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो कोई भी चीज़, यू कैन डू इट एंड यू कैन डेफिनेटली गेट सक्सेस इन लाइफ। अल्टीमेट क्या है, लाइफ को एन्जॉय करना है, एंड यू कैन एन्जॉय इफ यू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स बाई यूर सेल्फ, एंड देन एनीथिंग कैन हैपन जो आप कभी इमेजिन भी नहीं करे होंगे मेरी, राइट। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।